नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज टीवी चैनल। आज मैं खड़ी हूँ नगर पालिका में, जहाँ आज कलसार के व्यापारी लोग आए हैं संडे मार्केट की समस्या को लेके। तो आज हम हमारे साथ है कुछ व्यापारी लोग, तो आज उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आए हैं, हमारे मार्केट के अंदर रविवार बाजार भरती है। वो रविवार बाजार ऐसी है कि आदमी को चलने की जगह नहीं मिलती है, और दूसरा यहाँ पर हॉस्पिटलों है, राहदारी को नहीं मिल, पॉकेट मार जाता है, अवरोध लोग का चेन जाती है, मारामारी होती है, छेड़ती होती है। और ये और व्यापारी, आज व्यापारी जो है वो सब भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, सेल टैक्स भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, मगर ये लोग जो फेरी लगाते हैं उनको एक रुपया भी भरना नहीं होता है। तो सरकार हमको भी ऐसा माफ़ी दे, उनसे भी हम लोग सस्ता बेच सकते हैं। सर, संडे मार्केट कितने सालों से चल रही है? ये 2 साल से चल रही है। आगे हम लोग ने बंद करवाई थी, तो संपूर्ण बंद हो गई थी, मगर अभी क्या है, वापस थोड़े थोड़े एक दो आके बैठे, कोई उसको कुछ और नजरअंदाज लिया नहीं उसको, ये भी भारी पड़ रहा है हम लोग को व्यापारी। सर, ये सब व्यापारी है, तो आप लोग भी जो पुराने स्टॉक है वो भी आप लोग भी तो लेके बैठते हैं दुकान के बाहर? मैंने कई बार नहीं 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 सर, दुकान के बाहर हमारा कोई भी आदमी नहीं बैठता है। एक आदमी हमको ऐसा दिखा दो कि दुकान के बाहर वो लोग दुकान लगाते हैं, ठीक है, वो स्टेचू रखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए छोटी चीज रखते हैं, वो व्यापारी की एडवर्टाइज के ऐसा नहीं हो पथरा लगा। संडे मार्केट में जो लोग ठेला लगाते हैं उनकी भी तो पावती करती है, तो वो कहाँ जाती है? वो नगर पालिका लेती है। तो आप बोल रहे हैं कि उनके पास से कुछ लिया नहीं गया, तो नगर पालिका नहीं लिया गया तो बंद कर सकते। वो नगर अभी नगर पालिका का ये विषय है, हमारा विषय नहीं है। वो पावती लेवे नहीं लेवे, क्या करना चाहिए, वो उनका वो लुकआउट है, वो हमारा लुकआउट नहीं है। हमारा लुकआउट ऐसा ही है खाली कि हमारा स्टेडियम रोड पे क्या पूरा बाजार में वो व्यापारी, जहाँ भी व्यापारी है वो भी मार्केट का, उधर रविवार बाजार नहीं लगनी चाहिए। सर, आपने बोला कि उन लोग के लिए नई जगह चुनी है, तो वो कहाँ पे है? वो किधर भी नहीं, हम लोग नहीं, वो नगर पालिका का भी नगर पालिका जहाँ नहीं है वही सही। आप क्या चाहते हैं? नहीं लगाने देंगे। लेकिन नहीं लगाने देंगे जो आम आदमी है तो उनका क्या होगा? आम आदमी वो लोग नहीं है, बाहर से लोग आते हैं। लेकिन सर, जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो महंगे कपड़ा ले सके, जो संडे मार्केट में उन लोग को मिलता है, तो वो लोग का क्या होता है? आपकी बात बराबर है, मगर वो जो है हाट बाजार जो बोलते हैं ना, हाट बाजार वो आज से नहीं, वर्षों से चलती आती है हाट बाजार। वो हाट बाजार जहाँ कहाँ बनती है, गाँव खेड़े में लगती है। गरीब आदमी गाँव खेड़े में रहते हैं, नहीं सिटी में नहीं रहते कोई गरीब आदमी। यहाँ भी जो आते हैं, आप मैं बोलता हूँ आप रविवार बाजार में आप आओ, आपको कोई गरीब आदमी दिखेगा नहीं। 15,000 का लाख रुपए का चेन किसका जाएगा? गरीब आदमी का जाएगा। किसका कटेगा तो 15,000 का या 20,000 का, गरीब आदमी का जाएगा, वो नहीं जा सकता। गरीब आदमी कोई है ही नहीं। अगर संडे मार्केट बंद नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? हम लोग बाजार बंद कराएंगे, गलत आंदोलन देंगे, भूख हड़ताल पर उतर जाएंगे। आज हमारे साथ हैं नगर पालिका के प्रमुख पंकज आहिर जी, तो आज हम उन्हीं से भी बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो ये लोग आए थे व्यापारी लोग, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो क्या रजूआत लेके आए थे आपके पास? हाल जो वलसाड़ में जो रविवार बाजार होता है, वो रविवार बाजार के आने से जो व्यापारी मंडल है उन लोगों ने आवेदन पत्र दिया है, और वो लोग बोल रहे हैं कि वो जो रविवार बाजार यहाँ पे होता है, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक समस्या और बहुत सारे प्रॉब्लम वगैरह हो रहे हैं। तो वो लोग ने नगर पालिका को आवेदन दिया है कि उन लोगों को रविवार बाजार को यहाँ से कहीं पे और शिफ्ट किया जाए, और कहीं और पे उन लोगों को बुलाया और बेचाया जाए। उन लोग की रजूआत ऐसी है, तो वो लोग संडे मार्केट बंद कराने के लिए बोल रहे हैं, तो जो आम आदमी है तो उसका क्या होगा सर? नहीं, उसमें क्या है कि अभी मैं और चीफ ऑफिसर साहब है, उन लोग को सुना है, उन लोग का आवेदन भी देखा है, और इस पे हम लोग पूरी बॉडी है जो वो निर्णय करेगी, और आगे उन लोग को कि उनके साथ मतलब कहाँ पे लेके जाए, कहाँ पे मार्केट उनका बनाया जाए, उस पे अभी चर्चा विचारना करके उन लोग को भी जवाब दिया जाएगा। सर, ये लोग जो बैठते हैं तो उन लोग की रसीद करती है, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं सर? वो तो नगर पालिका के स्वबंडोर में ही आता है, वो जितने भी लोग यहाँ पे नगर पालिका पे वो पाठाना बिठाते हैं, लारी गल्ला रखते हैं, या नगर पालिका के हद विस्तार में जो कुछ भी काम धंधा करते हैं, उन लोग की जो उन लोग के नियमानुसार जो रसीद आता है वो रसीद बनाया जाता है। लेकिन सर, यहाँ जो व्यापारी लोग आए वो बोल रहे थे कि उन लोग के पास से कुछ पैसे नहीं लिया जाता है, तो
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी इधर नगर पालिका के हद में काम धंधा करते हैं उसका रसीद तो बनाया ही जाता है, वो तो हमारी टीम रहती है। तो सर गरीब और आम लोग जैसे उनको महंगी चीज वो ले नहीं सकते जो संडे मार्केट से उनको मिलती है, तो उन लोग को क्या होगा अगर संडे मार्केट बंद हो गई तो? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि संडे मार्केट बंद हो जाएगा। ये या क्या है कि शहर का मध्य का रास्ता है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो शहर के बीच में एम्बुलेंस वगैरह के ट्रैफिक समस्या वगैरह बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उसको कहीं पे और शिफ्ट किया जाए, फिर दूसरी जगह पे उनको बोला जाए कि इधर आप इधर काम धंधा कर सकते हो। सर ये तो 2 साल पहले की बात है ना, 2 साल पहले उन लोग को किया गया था, तो अभी तक उनको दूसरी जगह नहीं दी गई? नहीं ऐसे नहीं, पहले क्या था कि पहले इतने ज्यादा लोग नहीं आते थे रविवार बाजार में मार्केट में बिजनेस करने के लिए, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग भी देख रहे हैं नगर पालिका के कर्मचारियों की ओर से भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि ज़्यादा ही भीड़ और ज़्यादा ही लोग यहाँ पे अभी इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए कायदा व्यवस्था ना बिगड़े और कुछ जो नग बनने वाली घटना बने इसके पहले से ही हम लोग को ठेकेदारी भी रखना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग को जो कार्यवाही करनी होगी वो अपने नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। और अभी ऐसा नहीं कि संडे को ही वो लोग काम करते हैं, सोमवार से शनिवार तक भी वो लोग कहीं भी जो गाँव में है हाट बाजार लगता है, कोई दूसरे शहरों में लगता है, वहाँ पे काम धंधा करते ही है। ऐसा नहीं कि उन लोग की रोटी रोजी चली जाएगी, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे के सभी का अच्छा हो, उन लोग को भी कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट किया जाए, लोगों को परेशानी नहीं है, तकलीफ नहीं हो, ऐसे में जो नियम अनुसार की कार्यवाही वो हम लोग करेंगे। सर उन लोग की कितने पैसे की रसीद कटती है संडे मार्केट में जो रहते हैं? वो तो जैसा जैसा वो जो बिजनेस करते हैं उसके अनुसार से उसकी जो नियम अनुसार की वो ऐसे रसीद कटती है। तो आपने देखा कि व्यापारी लोग यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी मांग रखी है संडे मार्केट को बंद करने के लिए, तो क्या फैसला आता है? जो भी फैसला आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और आप देखते रहिए केएम न्यूज़ टीवी चैनल, कैमरा मैन राजेश चौबे के साथ मैं रीता पटेल, गुजरात वलसाड़।